यार वैसे आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर बाहर की स्टोरीज कवर करता हूँ, क्योंकि इंडिया की स्टोरीज ज़्यादातर आपने सुनी होती हैं और उसमें कुछ नया नहीं होता बताने के लिए। लेकिन फिर भी चैनल पर बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि निठारी कांड के ऊपर वीडियो बनाइए, डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए थी। तो मैं आज बिल्कुल वही करने वाला हूँ। मैं बताऊँगा आपको एक आदमखोर नौकर और एक अयाश मालिक की सच्ची कहानी, जिसने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि इंडिया से बाहर के देशों को भी पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि जब ये केस सामने आया तो पूरी दुनिया में सुर्खियां बनकर सामने आया था। लेकिन उससे पहले एक दो बातें मुझे आपसे करनी है। जी हाँ, चैनल पर बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कुछ नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, मतलब कि इन वीडियोस के थ्रू। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं हमेशा वीडियोस में कहता हूँ कि ये वीडियो ऐसी होने वाली है, डिस्टर्बिंग होने वाली है, तो प्लीज़ उसे मैच्योर ऑडियंस ही देखे। बच्चों के लिए ये चैनल है ही नहीं, मैं तो पहले ही कहता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह की वीडियोस को टॉलरेट नहीं कर सकते, अगर आपका जो दिमाग है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, आप खुद मैच्योर नहीं हुए हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं छोड़ कर चले जाएँ, क्योंकि हो सकता है आपको भी ये बुरी लगे, फिर आप कमेंट्स में मुझे गालियाँ देंगे। मेरा काम है आप सभी तक दुनिया की अजीब चीज़ें पहुँचाना। कुछ भी अजीब हुआ हो, मैं उसके बारे में स्टोरी बनाकर आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। हमारे देश की राजधानी दिल्ली के बराबर में ही बसे हुए नोएडा शहर के 31 सेक्टर में 7 मई 2006 के दिन पायल नाम की एक लड़की वहां से गायब हो जाती है। जी हाँ, उसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल की ही थी और वो अपने घर से बाहर निकली थी और उसे एक कोठी में काम करने के लिए जाना था। गरीब घर की वो बच्ची थी और आसपास कोठियों में काम करके अपना वो गुजारा चला रही थी। और उस दिन भी वो अपने घर से बाहर निकली थी, रिक्शा उसने पकड़ी और एक कोठी जो कि नोएडा के सेक्टर 31 में ही बने निठारी गांव के अंदर खड़ी हुई थी, उस कोठी का नंबर D5 था और उस कोठी के अंदर उसे काम करने के लिए जाना था। वो रिक्शा पकड़कर इस कोठी तक पहुंच गई और रिक्शा वाले से कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर कोठी से आपको पैसे ला कर देती हूँ। तो रिक्शा वाले ने कहा कि ठीक है बेटा, जल्दी आना। वो अंदर जाती है और बाहर खड़े रिक्शा वाले को अब इंतज़ार करना था। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीत गए और यहाँ तक कि 20 मिनट होने वाले थे। अब यहाँ रिक्शा वाला भी मजबूर था, ना ही वो अपना किराया छोड़ सकता था और ना ही अपने आने वाली आगे की जो सवारियाँ थी उसे वो भी उठानी थी, तो वो वहाँ खड़ा खड़ा लेट हो रहा था। तो उसने खुद ही रिक्शा से उतर कर उस कोठी की बैल बजाई और बैल बजाने के बाद उस कोठी से एक आदमी निकल कर बाहर आया और उस आदमी ने उस रिक्शा वाले से पूछा कि बताओ क्या काम है। तो रिक्शा वाले ने कहा कि जनाब, अभी एक लड़की मेरी रिक्शा में बैठकर यहाँ आई थी और वो अभी इस कोठी के अंदर गई है और मेरा वो भाड़ा देकर नहीं गई। तो वो जो आदमी वहाँ अंदर से निकल कर सामने आया था, उसने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं आई। बदले में रिक्शा वाले ने पलट कर कहा कि क्या बात कर रहे हो, मैंने तो उसे ला कर छोड़ा है और अभी अभी वो कोठी के अंदर गई थी। तो पलट कर वो आदमी बोलता है कि अच्छा, वो लड़की वो तो यहाँ आई थी और उसी टाइम पर चली गई थी, क्या तुम्हें यहाँ बाहर जाती हुई नहीं दिखी क्या? तो रिक्शा वाला भी कहता है कि क्या बात कर रहे हो जनाब, मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, कब से वेट कर रहा हूँ अपने भाड़े के आने का और आप ये कह रहे हो कि वो लड़की चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके बाद अब बेचारा रिक्शा वाला उस आदमी के साथ लड़ तो सकता नहीं था, मजबूरन उसे अपना भाड़ा वहीं छोड़कर अपने रिक्शा को आगे लेकर जाना पड़ा। लेकिन ये पायल नाम की लड़की जो अब रिक्शा में बैठकर आई थी, ये कहाँ चली गई? थोड़ी देर बाद उसके माता पिता को भी इसकी टेंशन होने लगी और उसके पिता ने जाकर तुरंत पुलिस के अंदर रिपोर्ट लिखवाई। ये बात थी 7 मई 2006 की और पुलिस के पास आने वाली ये रिपोर्ट कोई पहली रिपोर्ट नहीं थी जब उन्हें पता चला हो कि इस इलाके से बच्चे गायब हो रहे हैं। जी हाँ, पुलिस के पास ऐसे ही पहले भी 12-15 रिपोर्ट्स पहुँच चुकी थी, जिसमें उनको बताया गया था कि निठारी गाँव के बिल्कुल इसी इलाके से बच्चे अपने आप गायब होते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चे आखिर जा कर रहे हैं। वो हमेशा उनके माता पिता को ये बोल देती कि गरीब घर के बच्चे हैं तुम्हारे, इधर उधर चले गए होंगे काम की तलाश में, आ जाएंगे वापस। और जो लड़कियां गायब होती उनको तो साफ ये बोल दिया जाता कि हो ना हो वो अपने किसी दोस्त के साथ भाग गई होंगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बातें थी पुलिस की। लेकिन आखिर अब यहाँ हुआ क्या था? तो बाकी सारे जो बच्चों के माता पिता थे वो बिल्कुल ही चुप बैठ गए थे, उनके बच्चे अब गुम हो चुके थे, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं पुलिस के पास जाने के अलावा। लेकिन यहाँ जो पायल गुम हुई थी, 15 साल की लड़की थी, ये गुम हुई थी, तो इसके पिता चुप नहीं बैठे। बेशक वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन इतने भी गरीब नहीं कि वो कुछ करे ना। तो वो सीधा पहुँचे पुलिस के पास और पुलिस ने उनकी FIR दर्ज करने से ही मना कर दिया और उन्हें बोल दिया कि 15 साल की तुम्हारी लड़की है, हो ना हो ये अपने किसी दोस्त के साथ ही भाग गई होगी,
कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बेचारा पायल का पिता वहां से अपना मुंह लटकाकर वापस आया और घर आते ही उसने अपने एक वकील को हायर किया। वकील को हायर करने के बाद उसने सीधा सेशन कोर्ट में अर्जी डाल दी कि ऐसे ऐसे मेरी बच्ची गायब हो चुकी है और पुलिस यहाँ FIR दर्ज करने से भी मना कर रही है। ये बात जैसे ही अदालत को पता चली तो अदालत ने तुरंत ये ऑर्डर दे दिया कि ये बहुत सीरियस मामला है, यहाँ से पहले भी हमने खबर सुनी है कि बच्चे ऐसे गायब हो रहे हैं और पुलिस यहाँ FIR तक दर्ज नहीं करती, तुरंत इस केस में FIR दर्ज की जाए और इसमें तलाश शुरू की जाए। अब जाहिर सी बात थी कि अगर हम किसी की FIR दर्ज करवाते हैं तो उसमें हमें नामजद करना पड़ता है कि इस बंदे के खिलाफ हम FIR करवा रहे हैं, और उस कोठी के मालिक के खिलाफ भी अब FIR हो चुकी थी और उस FIR में लिखे जाने वाले नाम थे मनिंदर सिंह पंढेर। जी हाँ, मनिंदर सिंह पंढेर एक करोड़पति आदमी है, बड़ा उसका बिजनेस है, बाहर के देशों में आना जाना लगा रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके बड़े बड़े लोगों से संपर्क थे। लेकिन अब क्योंकि ये कोठी उसकी थी तो उसके खिलाफ ही अब FIR होनी थी कि अंतिम बार पायल को इस घर के अंदर ही देखा गया था। रिक्शा वाले ने भी ये बयान दिए थे कि उसने पायल को इसी घर के बराबर में छोड़ा था और वो सीधा इस घर के अंदर गई थी और वापस ही नहीं आई। और जो वो बंदा उस दिन गेट खोलकर कोठी से बाहर आया था जब इस रिक्शा वाले ने बैल बजाकर उसे बुलाया था, तो उस बंदे का नाम सुरेंद्र कोहली था। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इस घर का नौकर था। जी हाँ, इस घर में सिर्फ ये दो ही लोग रहा करते थे, और अगर सही मायनों में कहूँ तो सिर्फ ये कि सुरेंद्र कोहली ही रहा करता था, क्योंकि इसका जो मालिक था मनिंदर सिंह पंढेर, उसके पंजाब में भी घर थे, बाहर के बाहर भी उसके कई घर मौजूद हैं, तो वो यहाँ बहुत कमाता था। उसकी फैमिली जो थी वो पंजाब में ही रहा करती थी, वो यहाँ बहुत कमाता था महीने दो महीने में, 10-15-20 दिन में। लेकिन इस घर में जो परमानेंट सदस्य रहने वाला था वो था सुरेंद्र कोहली, और वही उस दिन गेट भी खोलने आया था बाहर जब वो रिक्शा वाले ने बैल बजाकर अपना भाड़ा मांगा था। खैर, मनिंदर सिंह पंढेर को अब ये बात पता चली कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है इस मामले में, तो उसने भी तुरंत अपने लिंक्स को घुमाना शुरू किया, और पुलिस में उसकी अच्छी खासी जानकारी थी, तो उसने सीधा उस FIR को उठाया और सेशन कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया कि FIR खत्म की जाए, मैं एक रेप्यूटेड इंसान हूँ, मेरे खिलाफ ऐसी इल्जाम लगाना ये बहुत गलत बात है। लेकिन सेशन कोर्ट के उस फैसले को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दे दिए थे कि नहीं, जो भी FIR की गई है सेशन कोर्ट द्वारा वो कायम रहेगी और ये क्वैश नहीं होगी। लेकिन फाइनली इस FIR को दर्ज होने में 6-7 महीनों का समय लग गया। 7 मई को पायल गायब हुई थी और दिसंबर 2006 अब आ चुका था, तकरीबन 6-7 महीने अब यहाँ लग चुके थे। अब यहाँ जाँच शुरू की गई, और जांच में जब पुलिस ने इसके अंदर देखा तो उनको यहाँ एक चीज बहुत ज्यादा अजीब लगी। जो यहाँ 15-16-17 बच्चे गायब हुए थे वो सभी गरीब घर के थे और अलग अलग परिवारों से गायब हुए थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो जहां से गायब हुए थे वो लोकेशन बिल्कुल एक ही थी, D5 कोठी। जी हाँ, जिसने भी उनकी गवाही दी कि हमने इस बच्चे को अंतिम बार यहीं देखा था, वो सभी यही कह रहे थे कि अंतिम बार उस बच्चे को कोठी नंबर D5 के बाहर देखा गया था। तो जैसे ही ये बात और बच्चों के माता पिता को पता लगी कि एक बच्चे की जांच हो रही है उनके गायब होने की, तो वो सभी पुलिस के पास पहुंच गए कि हमारे भी तो बच्चे गायब हुए थे, हमारे बच्चों की जांच क्यों नहीं करी, हम भी अब अपने बच्चे की दोबारा जांच शुरू करवाएंगे, आप प्लीज़ उसकी भी जांच करिए। तो अब यहाँ पर पुलिस के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बन चुका था इस केस को सुलझाने का। अब इस कोठी से हटकर, इस केस से हटकर मैं आपको बताता हूँ कि ये मनिंदर सिंह पंढेर और ये सुरेंद्र कोहली थे कौन। तो सन 2000 में मनिंदर सिंह पंढेर ने इस कोठी को खरीदा था, और पहले लोग एक साथ रहा करते थे, फैमिली रहा करती थी। लेकिन सन 2003 में उसकी फैमिली जो थी वो वापस पंजाब चली गई और मनिंदर सिंह पंढेर अब इस कोठी में अकेला इसकी देखभाल कर रहा था। तो वो अपने एक दोस्त से एक नौकर को ले आया, उसकी जान पहचान वाला एक दोस्त था, और उसने अपने ही एक नौकर को मनिंदर सिंह पंढेर को दे दिया कि ये कोठी का तुम्हारा ध्यान सही से रख लेगा। और उस नौकर का नाम सुरेंद्र कोहली था, ये बंदा उत्तराखंड का था और बहुत अच्छा खाना बनाता था। सन 2000 में ही ये भी दिल्ली आया था, और अब 2003 आते आते ये मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी में काम करने लगा। लेकिन यहाँ सब कुछ सही चल रहा था, पर मनिंदर सिंह पंढेर जब भी आता अपनी कोठी में 10-15-20 दिन बाद, महीने बाद, तो वो हमेशा अपनी रातें रंगीन करता था। वो सीधा दलालों को बीच में फ़ोन करता और अपनी कोठी में लड़कियाँ मंगवाता, पूरी रात उनके साथ पार्टी वगैरह करता, उनके साथ संबंध वगैरह बनाता, और सुबह होते ही उन लड़कियों को वापस भेज देता। ये सारा काम सुरेंद्र कोहली अपनी आंखों से देखा करता था, और जब
मनिंदर सिंह पंडेर अपने लड़कियों के साथ अपने कमरे में होता था तो वो एक कमरे की जो जाली सी होती है उसके बाहर से आंख लगाकर अंदर देखा करता था कि कमरे में चल क्या रहा है। खैर इधर अब पुलिस D5 के अंदर जाने का प्लान बना चुकी थी और D5 के अंदर जैसे ही पुलिस गई तो उन्हें अंदर कुछ नहीं मिला। एक आम सी कोठी और कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा जाल जो था वो ऐसे लगाया गया था, मतलब कि एक कोठी है ऐसे और कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा जाल है जिसे नीचे से खड़ा करके ऊपर छत तक लेकर जाया गया है और हम उस जाल से उस तरफ जा भी नहीं सकते। उस जाल के पीछे एक नाला सा था और वो नाला हर कोठी के पीछे से बहता हुआ आगे तक जा रहा था। पुलिस अंदर जाँच कर रही थी, पुलिस को अंदर कुछ नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि बच्चे यहीं से कहीं गायब हुए हैं। लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि उस नाले को कभी सरकार द्वारा साफ ही नहीं करवाया गया था, मतलब कि ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो यूज़ में नहीं था नाला। अगर कभी बारिश वगैरह आई तो उस शहर का पानी वहाँ से निकल जाता था आगे की तरफ, तभी वो साफ हो गया तो हो गया, वरना वो नहीं होता था। तो यहाँ दिसंबर 2006 में यहाँ पुलिस उसको देख रही थी। पुलिस के साथ कुछ और लोग भी अंदर इस कोठी में घुसे थे तो अब सभी जांच कर रहे थे। लेकिन तभी एक आदमी की नज़र उस नाले पर दोबारा पड़ी और उसने देखा कि इस नाले के अंदर बहुत अजीब रूप से सामान की भरी हुई थैलियाँ पड़ी हुई हैं। कोई छोटी थैली है, कोई बड़ी थैली है, लेकिन है सारी डार्क रंग की ही और उसके अंदर हम नहीं देख सकते। थैलियाँ पड़ी थी तो उस आदमी ने सोचा कि इन थैलियों के अंदर क्या हो सकता है। और हैरानी वाली बात ये थी कि ये थैलियाँ जो यहाँ पड़ी थी सिर्फ D5 कोठी के पीछे जो नाला था उसी में पड़ी हुई थी। उससे आगे की कोठियों के पीछे जो नाला लगता था तो नाले के उस हिस्से में कुछ नहीं था, सिर्फ जो पड़ा हुआ था जो भी वो D5 के पीछे वाले नाले में ही पड़ा हुआ था। उस आदमी के कान खड़े हो गए तो उसने सोचा कि क्यों ना इस एक थैली को निकाल कर देखा जाए कि इसमें आखिर है क्या। तो उसने तुरंत उस नाले में से एक थैली को बाहर निकाला और जैसे ही उसने उस थैली को बाहर निकाला उसकी रूह कांप गई। अंदर का सामान देखकर वो तुरंत वहां से भागा और अपने सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट किया। जी हाँ, जब सीनियर अधिकारी उस थैली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस थैली के अंदर एक बच्चे का पैर कटा हुआ है और साथ ही उसकी जो उंगलियां वगैरह थी हाथ की वो भी काट काट कर उस थैली के अंदर भरी गई थी। ये सब क्या था? और यहाँ ऐसी कई दर्जनों थैली इस नाले के अंदर पड़ी हुई थी। पुलिस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब है क्या, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं था और ऐसी इतनी सारी थैलियां थी। अब इनको निकालना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम था, इसलिए पुलिस ने तुरंत सफाई कर्मचारियों को बुलाया और उस नाले के अंदर उतारा। नाले के अंदर से उतारने के बाद तकरीबन पहली किश्त में 40 थैलियां बाहर निकाली गई और उसके बाद भी थैलियां भी और आनी थी। और हद तो ये थी कि कुछ थैलियाँ तो ज़मीन के अंदर ही डिकम्पोज हो चुकी थी। और जब उन थैलियों को खोलकर देखा गया तो यकीन मानिए किसी ने भी उस रात मेरे ख्याल से खाना तो नहीं खाया होगा, क्योंकि जो अंदर उन्होंने देखा था उसे देखकर तो सिर्फ उल्टी ही की जा सकती थी। जी हाँ, यहाँ उन थैलियों में कुल टोटल 17 सिर और 17 ही बच्चों के पैर वगैरह जो थे, पैर हाथ वगैरह यहाँ मिले थे। 17 सिर और 17 शरीर यहाँ उन थैलियों में काट काट कर भरे गए थे। अब खुद सोच कर देख लिए, 17 थैली छोटी छोटी हैं, एक एक दो दो किलो वाली हैं, तो 17 शरीरों को भरने के लिए कितनी थैलियों का यहाँ इस्तेमाल किया गया होगा। तो कुल टोटल यहाँ 17 सिर अब पुलिस को मिले थे। लेकिन यहाँ अब सभी परेशान तो थे ये देख कर कि यहाँ इतने सारे बच्चों का मर्डर हुआ है और उनकी लाशें यहाँ मिली हैं, लेकिन यहाँ सभी हैरान इस बात से थे कि उनका सिर्फ सिर मिल रहा है और जो कमर से नीचे का जो हिस्सा है, मतलब कि पैर वगैरह हैं, हिप्स वगैरह है, वो मिल रहे हैं, लेकिन गले से लेकर पेट तक का हिस्सा किसी का भी यहाँ मौजूद नहीं था। सिर्फ सिर मिल रहा था और हिप्स से नीचे का हिस्सा सारा मिल रहा था। तो ये धड़ कहाँ गई बीच वाली? आमतौर पर हमने देखा है कि कोई भी ऐसा सीरियल किलर होता है तो वो हमेशा विक्टिम की पहचान छुपाने की कोशिश करता है। मैंने आपको ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं जिसमें हमें देखने को मिला था कि हमेशा विक्टिम के सिर को काट दिया जाता है, उसे डीकम्पोज कर दिया जाता है, उसे बिगाड़ दिया जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि उस विक्टिम की पहचान ना की जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था, यहाँ सारे विक्टिम की पहचान हो रही थी लेकिन उन सभी विक्टिम्स के गले से नीचे का हिस्सा गायब था। ऐसा क्यों किया गया? जैसे ही ये 17 लाशें यहाँ मिली, तुरंत प्रभाव से 31 दिसंबर 2006 के दिन घर में मौजूद सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ शुरू होना था इस खेल का असली हिस्सा, पता लगाना था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था कोठी नंबर D5 में। दोनों को उठा लिया गया था, नया साल लग चुका था 2007 का,
1 जनवरी 2007 आ चुकी थी और अब शुरुआत होनी थी इन दोनों से पूछताछ की। पूछताछ शुरू की गई लेकिन दोनों बोलने को तैयार ही नहीं थे। दोनों चुपचाप बैठे हैं, दोनों कुछ नहीं बता रहे। दोनों को दिल लगा कर तोड़ा गया लेकिन दोनों ने मुंह नहीं खोला। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया और फिर पूछताछ करी लेकिन दोनों ने मुंह नहीं खोला। बैकग्राउंड इनकी देखी गई और बैकग्राउंड में सामने आया कि मनिंदर सिंह पंडेर अयाश किस्म का आदमी है। वो दलालों से संपर्क रखता है, उन्हें पैसे भिजवाता है, लड़कियां वगैरह मंगवाता है। वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसमें हम नहीं जाएंगे। ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिल रहे थे कि मनिंदर सिंह पंडेर ने ही यहाँ ये सब किया होगा। लेकिन यहाँ एक अफवाह उड़ने लगी कि हो सकता है ये दोनों मिलकर मानव अंगों की तस्करी का काम कर रहे हों, क्योंकि मीडिया यहाँ लग चुकी थी। मीडिया इस खबर को पूरे देश में चला रही थी और सभी यहाँ अपनी बात बनाने लगे थे कि जरूर ये लोग मिलकर बच्चों के अंगों की तस्करी किया करते थे। उनके दिल वगैरह को बेच दिया, उनकी किडनी वगैरह को बेच दिया, उनके लीवर वगैरह को बेच दिया, उनकी आंखों को बेच दिया। अब आंखों वाला पॉइंट तो यहाँ रूल्ड आउट हो गया क्योंकि यहाँ 17 के 17 सिर मिल चुके थे और उनकी आंखें यहाँ मौजूद थी। बेशक गली सड़ी थी लेकिन मौजूद तो थी। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या उन बच्चों के अंगों को सच में बेचा गया था? तो जवाब है नहीं। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इन अंगों को निकालने के लिए कोई कोठी की नहीं बल्कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम किसी दिल को निकाल लें तो वो 45 मिनट के अंदर अंदर वो ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए दूसरे शरीर में, वरना वो किसी काम का नहीं रहेगा। अगर हम किसी किडनी या फिर लीवर को निकाल लें तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर वो ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए दूसरे शरीर के अंदर, वरना उसके बाद वो काम नहीं करेगा। और हम किसी की आंखें निकाल लें तो 6 घंटे तक शायद होता है कि मरने के बाद 6 घंटे तक वो आंखें काम कर सकती हैं। अगर 6 घंटे तक किसी के शरीर के अंदर लगा दी गई तो वो काम कर जाएंगी, वरना वो काम नहीं करेंगी। तो यहाँ इन दोनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं था। एक तो बिल्कुल ही अनपढ़ सा था सुरेंद्र कोहली और दूसरा मनिंदर सिंह पंडेर, उसको भी डॉक्टरी की कोई जानकारी नहीं थी। तो ये पॉइंट ही रूल्ड आउट हो गया कि इन्होंने मानव तस्करी की होगी। जिसके बाद दूसरा पॉइंट उठा कि हो सकता है जो इनके जो धड़ वाला हिस्सा हो वो वाले पॉलीथीन आगे बह गए हों बारिश वगैरह के पानी में। लेकिन हमें पता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारे जो फेफड़ों की जो ऊपर पसलियाँ होती हैं वो बहुत भारी होती हैं, तो अगर उन्हें किसी पॉलीथीन में डाला गया होगा तो वो सबसे पहले नीचे जाकर अपने आप ही बैठ जाएंगी पानी में भी। हल्के वाले तो यहाँ पड़े हुए हैं और भारी वाले आगे तैरकर चल दिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो ये भी पॉइंट रूल्ड आउट हो गया कि ये बहकर आगे कहीं चले गए होंगे। तो अब आखिर यहाँ चल क्या रहा था? जिसके बाद पुलिस ने अब इन दोनों के ऊपर और दबाव बनाया और पूछताछ करनी चाहिए। तो अब यहाँ इन दोनों को टूटना पड़ा। सबसे पहले मनिंदर सिंह पंडेर से पूछा गया कि बता बात क्या है, तो उसने बताया कि एक दिन वो यहाँ आया था और ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। और वो यहाँ आया था, अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ आया था तो उसे लड़कियाँ यहाँ मंगानी थी, लेकिन उस दिन उसके दलाल ने लड़की भेजी नहीं और इस बात से मनिंदर सिंह पंडेर बहुत गुस्सा हो गया। उसकी जो रात थी वो रंगीन कैसे बनती, तो उसने पहली बार जाकर सुरेंद्र कोहली से कहा कि देखो मेरे दलाल ने मना कर दिया है, लड़की नहीं भेज रहा है, क्या तुम अरेंज कर सकते हो? सुरेंद्र कोहली ने कहा कि ओके मैं करके आता हूँ। वो बाहर गया और एक लोकल लड़की को उठाकर ले आया, अडल्ट थी, बच्ची नहीं थी, उसे उठाकर ले आया और पैसे वैसे उसे देने थे। रात को उसे लड़की मिल चुकी थी तो मनिंदर सिंह पंडेर का काम चल गया। अब मनिंदर सिंह पंडेर को अगली सुबह जल्दी यहाँ से निकलना था, तो उसने सुरेंद्र कोहली को कहा कि देखो ये लड़की अभी भी कमरे में सो रही है, जब उठे तो इसे ऑटो वोटो करवा कर यहाँ से भेज देना और ये पैसे पकड़ो, इसे पैसे दे देना। तो मनिंदर सिंह पंडेर ये बात बोलकर उस कोठी से निकल गया अपने काम धंधे पर। जिसके बाद सुरेंद्र कोहली उस लड़की के पास गया और उस लड़की को उठाकर कहा कि देखो सेठ तो यहाँ से चला गया है और अगर तुम मुझे भी अपने साथ संबंध बनाने दो तो मैं भी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। लेकिन वो लड़की इस बात के लिए राजी नहीं हुई और उसने सुरेंद्र कोहली को अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। उसने उसको ये तक कह दिया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझसे बात तक करने की। जिसके बाद सुरेंद्र कोहली को ये बात सुनते ही गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और इससे पहले कि वो लड़की इस घर से बाहर निकल पाती सुरेंद्र कोहली ने उस लड़की को ही वहीं दबा दिया, उसका गला पकड़ा और दीवार के साथ लगा दिया और तब तक पकड़े रखा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। अब लड़की मर चुकी थी, मर्डर यहाँ हो चुका था और उस लड़की को वो तुरंत उठाकर बाथरूम में लेकर गया और जिंदा के साथ नहीं लेकिन मरी हुई लड़की के साथ उसने संबंध बनाए और संबंध बनाकर उसे 3 हिस्सों में उसी बाथरूम में काट दिया। गला, धड़ और पैर, यहाँ 3 अब हिस्से हो चुके थे उस लड़की के शरीर के। तो सबसे पहले उसकी बाकी के शरीर को पैक किया गया सिर्फ धड़ को छोड़कर, और उस सुरेंद्र कोहली ने उस धड़ के टुकड़े किए और उन टुकड़ों में से कुछ टुकड़ों को कुकर में डाला,
उसमें मिर्च मसाला डाला, उसे पकाया और खा गया। सोच कर देखिए सुरेंद्र कोहली किस टाइप की मेंटालिटी का इंसान था। यहाँ मैं इंसान गलत बोल रहा हूँ, वो आदमखोर था। जिसके बाद उसके मुंह अब खून लग चुका था, और खून लग गया था तो अब उसे आदत पड़ चुकी थी इस चीज़ की कि उसे इंसानों को खाना है। और जब पुलिस वाले उस कमरे में खड़े होकर उसकी ये बातें सुन रहे थे, चार पुलिस वाले उस टाइम पे उस कमरे में खड़े थे, तो चारों के चारों उस कमरे से बाहर निकले और अपने सीनियर ऑफिसर के पास गए और कहा कि हम इसे पूछताछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बता रहा है वो हमारा दिमाग रजिस्टर करने को तैयार ही नहीं है। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये बात हम सोच भी नहीं सकते। तो पुलिस वालों को फिर से मनाया गया और अब की बार कुल टोटल 10 पुलिस वाले एक साथ खड़े होकर उसके हाथ पैरों को बांध कर उसे पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं ये सामने खड़े पुलिस वालों को भी ना खा जाए। जिसके बाद उसने फिर से बताना शुरू किया कि जब भी सेठ बाहर होते थे तो मैं बाहर जाता और आसपास खेल रहे किसी बच्चे को टॉफ़ी वगैरह देता और अंदर ले आता। अंदर लेकर आने के बाद उसका गला दबाता, उसका मर्डर करता और फिर वही उसका गला काटता, उसके पैर को काटता, बीच के धड़ में से उसके शरीर को काटता और उसके टुकड़े करके कुकर में बनाकर मिर्च मसाला डालकर तड़का वगैरह लगाकर उसे खा जाता। और उसे ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। बाकी के बचे हुए शरीर को वो थैली में पैक करता और छत पर ले जाकर जाल के उस तरफ नाले में फेंक देता। ये काम वो पिछले 7-8 महीनों से करता रहा था। कुल टोटल उसने 17 लाशों की आइडेंटिफिकेशन करी और बताया कि ये सब कौन कौन थे, और ये सब वही बच्चे थे जो इस निठारी गांव से गायब हो रहे थे। पुलिस ने इसकी कोई जांच नहीं की थी स्टार्टिंग में। अगर उसी टाइम पर इसे रोक दिया गया होता तो ये दिन आज नहीं देखने पड़ते, लेकिन बदकिस्मती थी हमारे सिस्टम की कि यहाँ एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया गया। अब यहाँ सुरेंद्र कोहली मुंह खोल रहा था और बताया जा रहा था कि ऐसे ऐसे उसने किया, लेकिन जब भी पुलिस वाले से पूछते कि क्यों किया तो बस कहता कि बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, ये शब्द थे उसके। और सोचकर देखिए 17 बच्चों की लाशें उसने खाई, उसके शरीर को खाया, और किस टाइप का ये इंसान था। खैर, पुलिस ने चार्जशीट इस केस की बनाकर कोर्ट में दायर करी और इस चार्जशीट के बिहाफ पर सुरेंद्र कोहली को 17 अलग अलग फांसियों की सजा ही सुनाई जानी थी। 12 मेरे ख्याल से 12 जो है वो फैसले आ चुके हैं, 12 या पता नहीं 15 आ चुके हैं, और इन 15 फैसलों में 15 बार फांसी की सजा सुरेंद्र कोहली को सुनाई जा चुकी है, लेकिन फांसी नहीं हुई। और एक बार तो फांसी की सजा मनिंदर सिंह पंडेर को भी सुनाई गई थी, लेकिन यहाँ वो बच गया और अभी जमानत पर शायद वो बाहर ही होगा, या फिर हो सकता है अंदर भी हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन सुरेंद्र कोहली अभी भी पुलिस के पास है, और एक बार तो ऐसा सीन बना था कि उसे फांसी होने ही वाली थी, अभी कोर्ट ने उसकी फांसी रोक दी। जी हाँ, उसे मेरठ जेल में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि फांसी देने का सिस्टम वही है। मेरठ जेल में जैसे ही फांसी होने वाली थी, सभी को पता लग गया कि यहाँ फांसी होगी सुरेंद्र कोहली की। जल्लाद वहाँ पहुँच चुका था, जेलर ने तैयारियाँ कर दी थी फांसी देने की, लेकिन तभी एक कोर्ट से ऑर्डर आया कि अभी और मामलों में इसके फैसला आना बाकी है, अभी इसको फांसी नहीं देनी, आगे देंगे। सिर्फ 2 घंटे अगर ये फैसला लेट आ जाता तो इसको फांसी हो चुकी होती, ये आदमी आज जिंदा नहीं होता, एक दरिंदा हमारे बीच से कम हो जाता, जो कि बहुत अच्छी बात होने वाली थी। खैर, 17 बच्चों को ये खा चुका था काट काट कर, और पता नहीं मैं कैसे आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं खुद इतना अंदर से खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूँ। कैसे कैसे लोग हैं हमारे समाज में, बिल्कुल आप और हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन किसी के मुंह पर नहीं लिखा होता कि वो ये काम भी कर सकता है। खैर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर कर ले, मैं वहाँ पर शॉर्ट फैक्ट्स की जो वीडियोज़ हैं वो डालता रहता हूँ। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट दीप शर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।